राजस्थान नगर पालिका की भर्ती की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। लगभग 23 जिलों के से भी ज़्यादा नगर पालिकाओं ने इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये भर्ती किस प्रकार से होने वाली है, किन किन जिलों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि क्या है, किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया होगी, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर मैं किसी एक जिले की जो नगर पालिका जो नोटिफिकेशन जारी है वो नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। पूरी जितने भी नगर पालिका हैं राजस्थान के अंदर जिलों ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है सभी नोटिफिकेशन सेम टू सेम है। सभी में वही पद हैं, वही उनको वेतन मिलने वाला है, वही शैक्षणिक योग्यता है, फॉर्म भी एक ही तरीका है, सारी चीज़ें कम सेम टू सेम है। तो मैं किसी यहाँ पर जैसे टोंक जिले का मैं आपको बता देता हूँ जो वैकेंसी निकाली है उन्होंने, उस वैकेंसी की विज्ञप्ति के जो महत्वपूर्ण बिंदु वो बिंदु मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना, यहाँ पर जो सभी जिलों के जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग अपने जिले से संबंधित नगर पालिका के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और सही समय पर आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये आप मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो लास्ट डेट होगी वो अलग अलग जिलों की अलग अलग लास्ट डेट है, यानी कि अलग अलग जिलों ने अलग अलग समय पर नोटिफिकेशन निकाला तो उसकी लास्ट डेट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसलिए आप लोगों को एक बार जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जरूर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन के आपको पता नहीं पड़ेगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो जल्दी से जल्दी इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना और वहाँ पर आप लोगों को सभी जिलों के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी, जैसे मैं टोंक के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सभी जो नगर पालिका जो वैकेंसी निकाली उसका नोटिफिकेशन सेम टू सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पद का नाम है सबसे पहले कनिष्ठ सहायक, यहाँ पर उसका जो प्रतिमा मानदेय होगा जो सैलरी होगी वो 20,000 होगी और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी या तो बीटेक होना चाहिए या फिर उनको पॉलिटेक्निक होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो लेखा सहायक हैं उनके लिए जो सैलरी रहेगी वो प्रति महीना वो 12,000 रुपये रहेगी और इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो बीकॉम सीए या फिर ICWA इंटर या फिर कंपनी सेक्रेटरी की जो योग्यता है वो योग्यता इन लोगों के पास में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर MIS मैनेजर की भी पोस्ट रहेगी, इनका जो सैलरी वो 12,000 रुपये रहेगी। इसके अलावा पदों की संख्या देखिए यहाँ पर 7 है, वो पदों की संख्या अलग अलग नगर पालिका में अलग अलग है। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो BCA रहेगी, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो डिग्री है वो 3 साल की डिग्री उनके पास में होनी चाहिए। शहरी रोजगार सहायक ये भी यहाँ पर पद देने वाला है, यहाँ पर इसका जो मानदेय होने वाला है वो 7,500 रुपये होने वाला है और यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो स्नातक प्लस RSCA कोर्स उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। देखिए जो पद है जो ये पद और जो मानदेय है और जो शैक्षणिक योग्यता है वो सभी जिलों में सेम रहेगी, इस किसी में भी अलग अलग पद या फिर जो शैक्षणिक योग्यता वो अलग अलग नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे चलते हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं वो शर्तें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या शर्त रहने वाली हैं, यानी कि क्या क्या नियम रहने वाले हैं इस भर्ती में। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भर्ती रहेगी पूरी संविदा पर आधारित रहेगी। यहाँ पर जो शर्तें में जो पहला पॉइंट है वो देखिए, संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट के आधार पर होनी है, इसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, पहला पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो प्राप्तों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, यानी कि आपकी जो आपने जो कोर्स कर रखे है डिग्री कर रखी है उन डिग्री के जो अंक है उस अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक तकनीकी पद हेतु 80% पर डिग्री धारकों के लिए और जो 20% पद है वो डिप्लोमा धारियों के लिए भरे जाएंगे। ये जो संविदा नियुक्ति जो प्रथम है वो 31/3/2023 तक प्रभावी रहेगी, 31/3/2023 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद में देखते हैं जो जैसा भी कार्यकाल आएगा कौन सी सरकार आती है वो आगे इसको चलाती है फिर नहीं चलाती है। फिलहाल अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर शहरी रोजगार जो सहायक है उसके लिए RSCT कोर्स होना जरूरी। इसके अलावा ये जो आवेदन फॉर्म है वो पूरी तरह से ऑफलाइन भरा जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ये ऑफलाइन जो फॉर्म है आप लोग संबंधित नगर पालिका से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा नीचे फॉर्म किस प्रकार का है, वो आप लोग उसको टाइप भी करवा सकते हैं या फिर अपनी नगर पालिका से भी वहाँ से लेकर इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद में आपको वहाँ पर या तो खुद जाकर उस नगर पालिका जो कार्यालय है वहाँ पर जमा कराए या फिर कुछ किसी की ईमेल ID दे रखी है या किसी वेबसाइट दे रखी है तो वहाँ से भी आप उसको फॉर्म को भेज देंगे, लेकिन मेरी सलाह माने तो आप लोग खुद वहाँ पर जाए और उसको फॉर्म को जमा करा कर आ जाए लास्ट दिनांक से पहले पहले।
इसके अलावा इनकी जो उम्र है, जो न्यूनतम उम्र रखी गई वो 21 वर्ष है और अधिकतम जो आयु रखी गई वो 40 वर्ष है। इसके अलावा SC ST की जो नियमानुसार जो छूट रहेगी वो छूट आप लोगों को मिलेगी। या देखिए आवेदन पत्र है वो A4 साइज के पेपर पर होना चाहिए। इसके साथ ही जो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं वो प्रमाण पत्र आप लोगों को उसको फोटोकॉपी लेके जानी है और उस फोटोकॉपी पर स्वयं के साइन करने हैं, खुद के साइन करने हैं। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के डिग्री के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को उस समय लेके जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, संतान संबंधी जो घोषणा पत्र वो भी आप लोगों के पास में होना चाहिए, मूल निवास भी आप लोगों के पास में होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप लोग फॉर्म जमा करना चाहते तो उसकी फोटोकॉपी उस फॉर्म के साथ में लगी होनी चाहिए। इसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये सारी चीजें आप लोग ओरिजिनल वहां पर लेके जानी होगी। इसके अलावा मैं कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। यहाँ पर संविदा कर्मियों की जो संविदा यदि संतोषप्रद नहीं रही तो आप लोगों को वहां से हटा भी सकता है। इसलिए आप लोग अपना जो कार्य है वो बड़ी ईमानदारी से करें। तो ये थे कुछ शर्तें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग देखते हैं इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को भरना है। देखिए ये एक टोंक नगर पालिका का फॉर्म है। यहाँ पर फॉर्म सब में सेम टू सेम है, बस यहाँ पर टोंक लिखा हुआ है। ये जो टोंक लिखा हुआ है वहां पर हर जिले का नाम, अपना अपना जिले का नाम यहाँ पर। जो आवेदन पत्र है वो इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पर अपनी फोटो चिपकाइएगा, सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम, यहाँ पर महिला पुरुष, पद जिसके लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं, किस पद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जाति क्या है और आवेदित वर्ग कौन सा, ST ST OBC जो भी वर्ग वो वर्ग लिख देना है। यहाँ पर जन्मतिथि आप लोगों को लिखनी है, आयु लिखना है, मूल निवास यानी कि आपको अपना एड्रेस लिखना है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का जो पता वो भी आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ईमेल ID, शैक्षणिक योग्यता, और जो शैक्षणिक योग्यता है वो या सबसे पहले आपको कक्षा 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और RSCTI यहाँ पर इस क्रम में आपको लिखना है, उसका वर्ष लिखना है, किस विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपने वो एग्जाम दिया है, प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत कितने हैं, कुछ अन्य विवरण है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ जो आप लोग डॉक्यूमेंट देंगे या फिर जो सभी हस्ताक्षर डॉक्यूमेंट है वो साफ सुथरे होने चाहिए, यानी फोटोकॉपी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, किसी प्रकार के भी इसमें काट छाट या फिर अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दस्तावेजों की सूची, आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं क्रम वाइज, तो उसी क्रम में भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, 1 2 3 4 5 जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जिस क्रम में आप लोग जमा रहे हैं उसी क्रम में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा ये शपथ है, वो शपथ आप लोगों को इसी पत्र पर आपको टाइप करवानी है, यहाँ पर आवेदक के आपके हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ पर भी आपके हस्ताक्षर करने हैं। इसके अलावा ये कार्यालय रसीद है, वो आप लोगों को फॉर्म जब आप लोग जमा करा देंगे तो आपको ये रसीद लेनी है, ये रसीद जरूर लेनी है। यदि आपने रसीद नहीं ली तो आपको आपको कैसे पता पड़ेगा कि मैंने फॉर्म जमा कराया फॉर्म जमा नहीं कराया, तो ये रसीद जरूर लेना आप लोग यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर 2002 के बाद में जीवित संतानों की जो संख्या है वो आपको लिखनी है, उनकी जन्मतिथि भी लिखनी है, और 2002 के बाद के जो बच्चे आपके यदि हुए हैं तो उनके नाम और जन्मतिथि भी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है और अपने संबंधित कार्यालय जो नगर पालिका कार्यालय वहां पर जाकर आप लोगों को जमा कराना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो भर्ती होने वाली है पूरी संविदा कर्मी पे होगी। उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके जो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, उसके आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद में यहाँ पर जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन जमा कराना है। इसकी लास्ट डेट जो इम्पोर्टेंट है वो अलग अलग नगर पालिका की अलग अलग है, इसलिए एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जिले का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जरूर एक बार आप लोग पढ़ लेना है, तभी आप लोगों को पता पड़ पाएगा कि किस जिले की जो नगर पालिका की उसकी लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, पद कौन सा है, यहाँ पर मानदेय क्या रहने वाला है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखिए और अपने फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यदि दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।